अब निकालनी है, हम बनानी है हमने बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट को बता आपको, एक साइड एसेट है और एक साइड हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, जो ये साइड होता है वो हमारे एसेट्स हैं और ये साइड हैं जो है वो लाइबिलिटीज होती है। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी, लाइबिलिटीज और एसेट। सबसे पहले हम लाइबिलिटी से शुरू करते हैं, तुम्हारी आ जाती है कैपिटल। तो कैपिटल है हमारे पास बेटा जो है 2 लाख की। ठीक है, तो कैपिटल आ गई 2 लाख की। मैंने अंदर क्यों लिखा, क्योंकि अंदर इसलिए लिखा, इसमें एनपी ऐड करना है, प्लस नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो हमारा था 68025। तो टोटल आपका बन जाता है इन दोनों को करके 268025। उसके बाद हमने क्या लेने हैं, उसके बाद हमें देखना है कि क्या क्या है। और कैपिटल है बीपी, बिल्स पेबल भी हमारी लाइबिलिटी है, वो है हमारी 50,000 की। ठीक है, उसके बाद सन्डरी क्रेडिटर्स नीचे गिवन है, वो है हमारे 1 लाख के। ठीक है, उसके बाद है हमारा लोन, जो कि है लोन की वैल्यू है हमारी, सन्डरी क्रेडिटर्स हमारे हैं 1 लाख के और लोन भी हमारा 1 लाख का ही है। ठीक है, ये साइड हो गई हमारी। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 268025 प्लस 50,000 प्लस 10,000 सॉरी प्लस 1 लाख तुम्हारा आंसर आ गया 518025। ये साइड पूरी होगी बेटा। अब हम एसेट्स की तरफ चलेंगे, जो जो रह गया, जैसे बैंक हमने छोड़ा था तो बैंक है हमारा 7700। ठीक है, कैश इन हैंड भी गिवन है नीचे, कैश इन हैंड आ गया, जो जो रह गया जो हमने कहीं नहीं डाला, कैश इन हैंड हमारा 1250 1250। बिल रिसीवेबल जो कि है आपके 7500। अब डेटर्स कैसे डालने हैं, डेटर्स आपके 40,000 थे। ठीक है जी, उनमें से वह जो बेटा एडजस्टमेंट की चीज़ होती है वो दो बार जाती है, दोनों ही दो ही बाहर थे, न्यू बैड डेट्स भी न्यू प्रोविजन भी, दोनों हमने P&L में डाले। अब दोनों हमारे बैलेंस शीट में से भी कटेंगे, कि डेटर जो है उसमें से न्यू बैड डेट्स भी गए कितने हैं, वो है 2500 और न्यू प्रोविजन भी गई वो कितनी है हमारी, वो है 1875। दोनों को हमने लेस किया तो हमारे पास आता है 35625। ठीक है जी, 35625। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था क्लोजिंग स्टॉक, जब एक अंदर दिया हो ट्रायल बैलेंस में तो एक बार ही पड़ता है, ये गिवन था क्लोजिंग स्टॉक, तो अंदर इनसाइड है तो एक बार ही पढ़ना है, दैट इज 30625 0। उसके बाद हमारा फर्नीचर है, उसके बाद हमारा आ गया फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका था 30,000 का, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन 3,000 लेस की थी, 10% थी, 27,000 आ गया। फिर हमारा है बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी कितने की थी, बिल्डिंग आपकी थी राजे 1,35,000 की, और उसमें से डेप्रिसिएशन जो हमारी लगी थी वो कितने की लगी थी, वो डेप्रिसिएशन हमारी लगी थी बेटा पिछले में 2700 रुपये की। तो जब हमने इसमें से ये लेस किया हमारे पास आ गया 1,32,300। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट में देखना होता है क्योंकि कुछ रह गया। देखो, जैसे हमने एडवांस में पे कर दिए थे रेट्स, प्रीपेड एडवांस में दे दिए थे, और जो चीज़ एडवांस में दे दी हो उसको वो हमारे एसेट बनते हैं। कोई खर्चे हमने एडवांस में दे दिए, अच्छी बात है कि हम इतने अच्छे, हमारा इतना बिजनेस अच्छा चल रहा है कि हमने खर्चे एडवांस में दे दिए, वो एसेट है। अगर हमने कोई खर्चा बन गया, मतलब उसकी ड्यू डेट आ गई है, उसकी ड्यू डेट आ गई है, उसको पेंडिंग है, वो देना है, देना नहीं दिया, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। पर अगर एडवांस में दे दिया कि अभी अगला साल आया नहीं फिर भी दे दिया, दैट इज़ एसेट। तो हम लिखेंगे प्रीपेड रेट्स, कितने के हैं वो प्रीपेड रेट्स हैं हमारे 600 रुपये के। ठीक है, अब इसका हम टोटल करेंगे, ये टोटल जो है आमने सामने बेटा करना होता है, जैसे ये साइड बड़ी होगी इस साइड के ऐसे ऐसे सामने, तो 518025 था। अब इस साइड का देख लेते हैं कितना आता है हमारा, 7,27,000 and 1,3,2,3,0, 518025
एंड आपका एक साइड भी 518025। तो ये थी आपकी बेटा बैलेंस शीट, जिसमें हमने आज जीएसटी भी देखा कि कैसे सेट ऑफ करना है, इनपुट को आउटपुट से करना है। एक क्वेश्चन में ऐसे कराऊँ जहाँ पे वो सेट ऑफ नहीं होगा, अगर बराबर नहीं आता तो कैसे करना, बराबर आएगा तो कोई नो एंट्री, ठीक है। सेकंड आपने ये भी सीखा कि प्रोविजंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और आपने ये भी सीखा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर अंदर ही दिया हो, बाहर ना दिया हो, एडजस्टमेंट वैसे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बाहर दिया होता है, ठीक है, पर अगर अंदर दिया हो तो कैसे करना। जैसे मैं आपको बाकी और क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसमें बाहर है, जैसे देखो यही क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक डब्बे से, ये ट्रायल बैलेंस से, तो सिंपल है, ट्रेडिंग में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी जाता है एसेट, पर अगर अंदर दिया हो तो कहाँ डालना है, सिर्फ मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 9।